मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अक्सर हर साल या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक ऑर्गेन के फंक्शन को अलग से डायग्राम वाइज डिटेल डिस्कस किया गया है, जिससे आपको डायग्राम को समझने में आसानी होगी। हाई एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माई चैनल साइंस बाई रानू। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ पार्ट मेल एब्डोमेन के अंदर और कुछ शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो पहले बाहर विजिबल ऑर्गन को समझते हैं। लोब लाइक स्ट्रक्चर जो लोअर एब्डोमेन से बाहर लटका रहता है, इसे स्क्रोटम कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है पीनस। एब्डोमेन के अंदर के पार्ट्स को अब स्टडी करते हैं। आप सब ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एक्सक्रीशन में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा है। आप ऊपर आई बटन क्लिक कर दें तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आप देख सकेंगे। तो हम सब जानते हैं कि एब्डोमेन के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है जो एक पाइप यूरेथ्रा के द्वारा पीनस में ओपन होता है। जब ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू ही पीनस से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आप देखो स्क्रॉटम में क्या है, इसके अंदर टेस्टिस होते हैं जिसे टेस्टिकल भी कहते हैं। मेन फंक्शन टेस्टिस का है स्पर्म सेल्स बनाना। स्पर्म एक मेल गैमीट है जो फीमेल के एग से मिलकर बच्चे प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस एक हार्मोन भी बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्यूबर्टी के वक्त पुरुषों में होने वाले बदलाव जैसे दाढ़ी, एग्रेसिव नेचर, इन सब के लिए जाना जाता है। इस पर भी मेरा आप बना हुआ एक वीडियो हार्मोन्स चैप्टर में देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल ग्रोथ और मैच्योरिटी के साथ साथ स्पर्म के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। अब ये टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं? स्पर्म एक मूव करने वाला सेल है, यानी कि वो फ्लूइड में तैरता है जो कि बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। टेस्टिस का टेम्परेचर करीब 2 डिग्री आपके बॉडी से कम होता है। इंटरनल बॉडी से तो इसलिए स्क्रॉटम शरीर के बाहर होता है ताकि स्पर्म कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। ये स्पर्म्स टेस्टिस में बनने के बाद एक पास के ही दूसरे ऑर्गन जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं उसमें मैच्योर होने चले जाते हैं। वैसे ये ऑर्गन आपके कोर्स में नहीं है। ये स्पर्म यहाँ से मैच्योर होकर एक ट्यूब में चले जाते हैं। ध्यान देना, टेस्टिस में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर ये कहाँ जा रहे हैं, एपिडिडाइमिस में मैच्योर होने, ठीक है। फिर वहां से ये चले जाते हैं एक ट्यूब में। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये स्पर्म्स या तो पेनिस द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बाहर निकाल दिया जाता है और अगर नहीं तो ये एपिडिडाइमिस में ही रहते हैं और शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं और शरीर फिर से नया स्पर्म बनाता है। तो अब डायग्राम को ध्यान देना क्योंकि एग्जाम में यही सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से। ये वास डिफरेंस एक डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में खुलता है। स्पर्म्स वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू पीनस से बाहर चले जाते हैं। यहाँ ध्यान देना, यूरिनेशन और स्पर्म इजैकुलेशन के लिए एक ही ट्यूब है और वो है यूरेथ्रा। स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में ज्यादा देर तक सरवाइव करना होता है ताकि एग से फर्टिलाइजेशन हो सके। ऐसे में स्पर्म्स को फोर्स, एनर्जी और न्यूट्रिशन चाहिए। और एक बात और, यूरिनरी डक्ट में रह गई यूरिन और वेजाइना का एनवायरमेंट काफी एसिडिक होता है जिसमें स्पर्म्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। एक नए एसिडिक एनवायरमेंट में स्पर्म्स सर्वाइव कर सके इसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन और एनर्जी के अलावा कुछ और केमिकल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी, न्यूट्रिशन और केमिकल आखिर उन्हें मिलता कहाँ से है? तो ये सारे केमिकल्स बनते हैं 2 तरह के ग्लैंड्स में। अब डायग्राम को फिर से ध्यान दो। ये ग्लैंड जो कि यूरेथ्रा से ही एक ट्यूब द्वारा जुड़े होते हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 यानी कि एक पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल होते हैं। दोनों ऑर्गन जो फ्लूइड बनाते हैं उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है जो स्पर्म्स को एनर्जी देता है। एल्कलाइन फ्लूइड यानी कि बेस निकालता है जो यूरेथ्रा और फीमेल वेजाइना के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। कुछ जेल लाइक सब्सटेंस भी निकलते हैं जो स्पर्म्स के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम स्पर्म्स को मूव करने के लिए जरूरी है।
एक विशेष प्रकार का हार्मोन भी निकलता है जो फीमेल इम्यून सिस्टम में स्पर्म को सर्वाइव करने में मदद करता है, क्योंकि बॉडी इम्यून सिस्टम क्या है, किसी भी बाहरी सेल को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो स्पर्म ही क्यों ना हो, उसको किल कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई बाहरी ऑब्जेक्ट है और कोई पैथोजन है जिसको किल करना है। उससे बचने के लिए एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जो स्पर्म को सहायता करता है फीमेल बॉडी में सर्वाइव करने में। तो अब ध्यान दो, व्हाट्स द डिफरेंस से स्पर्म आया इस डक्ट में और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड बना वो भी इसी यूरेथ्रा में आया। तो अब यहाँ पे स्पर्म और फ्लूइड आपस में मिल जाते हैं। स्पर्म और फ्लूइड के कॉम्बिनेशन को ही हम सीमेन बोलते हैं। ये सीमेन पेनिस के इरेक्शन से फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। स्पर्म्स की संख्या मिलियंस में होती है जबकि फीमेल एग सिंगल होता है। फीमेल एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स मर जाते हैं। जो बेस्ट सर्वाइविंग स्पर्म होता है वही एग से फ्यूज करता है और जायगोट बनाता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक फीटस डेवलप होता है और फीटस से एक न्यू बच्चे का जन्म होता है। अब यह स्पर्म दिखता कैसा है? ये यूनिसेलुलर है। स्पर्म के हेड पर एक सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। हेड के नीचे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो उनको मूव करने में हेल्प करता है। जब स्पर्म एग से फ्यूज करता है तब सिर्फ हेड ही फ्यूज होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स बाहर ही छोड़ दिए जाते हैं। तो एक क्विक रिविजन देखते हैं। स्क्रॉटम में दो टेस्टिस होते हैं जिनमें स्पर्म्स बनते हैं जो एक डक्ट वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में ओपन होते हैं। वहीं एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा में खुलता है जिससे स्पर्म्स के लिए जरूरी फ्लूइड बनता है। अब स्पर्म एक फ्लूइड में आ जाते हैं जिसे कि हम सीमेन बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म्स इरेक्शन से फीमेल बॉडी सिस्टम में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर करिए। जय हिंद।